कुछ दिनों में गोलापार में अवैध रूप से प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही थी, तो जिसके विषय में एक जांच प्राधिकरण के द्वारा कराई गई थी। जिन मैटर्स को जांच कराया गया वो इस तरह के मामले निकले कि रेरा का एक नियम है कि आप जो है एक निश्चित मात्रा में यदि भूमि का विक्रय करते हैं या एक निश्चित संख्या में यदि आप जो है आवासीय भवन आवासीय इकाइयाँ जो है भूमि पर निर्मित करते हैं तो उससे ज़्यादा में रेरा के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। उक्त नियम में जो है ये परंपरा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में है और ये एक शासनादेश में भी है कि संबंधित व्यक्ति से एक शपथ पत्र इस बात का लिया जाता है कि वो जो विक्रय कर रहा है या जो जो है आवासीय जो भी यूनिट डेवलप कर रहा है वो रेरा के प्रावधानों से आच्छादित नहीं होता है। उक्त शपथ पत्र के आधार पर रजिस्ट्रियां चल रही थी। इसमें इस व्यवस्था में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि लोगों के द्वारा झूठा एफिडेविट दिया जा रहा है और लोग एफिडेविट दे रहे हैं कि रेरा के प्रावधान नहीं लागू होते लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर वो अवैध कॉलोनी के रूप में या प्लॉटिंग के रूप में 25-25, 20-20 यूनिट एक एक जो है खेत नंबर में डेवलप करी गई है। उसकी जांच प्राधिकरण ने की, लगभग 6-7 ग्राम सभाओं में जांच हुई जिसमें हल्द्वानी के गोलापार के कुछ विलेजेस हैं और रामनगर के एक दो विलेजेस हैं। उन चिन्हित जो शिकायतों के अंतर्गत चिन्हित खाता नंबर थे उनमें एक पूरी रिपोर्ट डिटेल बनाकर सब रजिस्ट्रार को भेजी गई थी उक्त खेतों में उक्त ग्रामों में रोक लगाए जाने के लिए। तो बाद में ये संज्ञान में आया कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकरण की जो है आपत्ति और आख्या के बाद भी उक्त खातों में रजिस्ट्री की जा रही थी, जो प्रमुखता से समाचार पत्रों के द्वारा भी प्रकाशित किया गया और शिकायतों के रूप में भी प्राप्त हुआ। इस पर सब रजिस्ट्रार को यहाँ हल्द्वानी और रामनगर को हम लोगों ने पिछली बार मीटिंग के लिए बुलाया था, उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो खाता नंबर और विलेजेस जहाँ इस तरह के शपथ पत्रों के वायलेशन उल्लंघन के मामले सामने आए हैं जो प्राधिकरण के द्वारा लिखित में सब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करके भेजे गए हैं उन खाता नंबरों में जो है एक तो शपथ पत्रों की जांच होगी, वो शपथ पत्र यदि गलत पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ उसमें रिपोर्टेड हो भी गए हैं, कुछ गलत पाए भी गए हैं, उनमें कार्रवाई विधिक होगी। साथ ही ये एक निर्देश दिए गए हैं कि इन चिन्हित ग्राम सभाओं में रजिस्ट्री जो 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 जिनमें ज़्यादा उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं उनमें रजिस्ट्री करने से पहले रेरा का जो नियम है उसमें मात्र शपथ पत्र पर ही जो है निर्भर ना रहा जाए, कुछ विंध्या भी ले दी जाए। तो रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है, रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, उनको क्रॉस चेक कर शपथ पत्रों को क्रॉस चेक करने की एक व्यवस्था लागू की गई है ताकि शपथ पत्र का जो झूठा एफिडेविट देकर जो है इलीगल प्लॉटिंग करने के मामले आ रहे हैं उन पर रोक लग सके, उनमें किसी प्रकार से जो आगे पुराने वायलेशंस हो गए हैं और जिनमें वो चीज़ जांच में सामने भी आ गई है उनमें विधिक कार्रवाई भी की जा सके और भविष्य में इस तरह की जो प्रॉपर्टी का जो डेवलपमेंट हो रहा है बिना प्रावधानों का बिना नियमों का पालन करे उस पर रोक लगे। इसमें ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो किसान अपना अपनी भूमि को एक बार बेच रहा है या दो बार बेच रहा है, जो प्लॉट के रूप में नहीं है, जो प्लॉटिंग के रूप में नहीं है या आवासीय इकाइयों को डेवलप करने के रूप में नहीं है, कॉलोनी डेवलपमेंट के रूप में नहीं है, उनमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है। जो कृषि भूमि व्यक्ति अपना एक बार बेचता है दो बार बेचता है, ऐसे कुछ खाता नंबर और ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक ही खाते में 10 बार 15 बार 20 बार जो है रजिस्ट्रियां हुई हैं और उनमें रोड़ें भी डाली गई हैं, उनको कॉलोनी के रूप में डेवलप भी करा गया है, उनकी जांच हुई है। जो उक्त क्षेत्र में जो एफिडेविट सबमिट करे हैं संबंधित व्यक्तियों ने उन शपथ पत्रों की का भी रैंडम भौतिक परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जो शपथ पत्र सही हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो शपथ पत्र भौतिक निरीक्षण में गलत पाए जाएंगे उन पर विधिक कार्रवाई करी जाएगी।